कहाँ है वो? छोड़ूंगा नहीं मैं आज उसे, जिंदा काट दूंगा। आराम से रिलैक्स हो जाओ, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। लेकिन मैं तो मजाक कर रही थी, इतना टाइम लग रहा था तो मैंने सोचा कि मैं मजाक कर लूं। दिमाग सही है तुम्हारा, ये पुरानिया कहाँ है? इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है, अभी पागल तो नहीं हो गया? वो वेटिंग पर है अभी, उसका नंबर बस आने वाला होगा। अब तुम आ ही गए हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं गाड़ी में चलूंगी तुम्हारे साथ वापस। रिक्शे में ना मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। बिल्कुल मजा नहीं आता, औकात देखिए अपनी, रिक्शे से आई थी रिक्शे में जाना। औकात तो तुम्हारी भी नहीं थी गाड़ी की वैसे, लेकिन मिल गई ना। फॉर गॉड्स सेक कम जा, जाने दो मुझे। रुको, मैंने कहा ना तुमसे कि चला जाऊंगा मैं यहां से, लेकिन मुझे अपने एक एक सवाल का जवाब चाहिए। अरे यहां से क्या, इस दुनिया से चला जाऊंगा लेकिन मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। हमजा, मेरी मौत के ख्याल से अगर इतना परेशान हो गई हो तो क्यों की तानी से चलती? बोलो। हमजा रहम करो मुझ पर, सना भी मेरे साथ। रानिया, अगर तुम आज यहां से हिली ना तो पहले मैं तुम्हें गोली मारूंगा और फिर खुद को। Do you get that? आज आर या बार, आज फैसले का दिन है। कैसा फैसला? तुम्हारी तारीख से तलाक या मेरी मौत। शूट करना है, कर दो, मगर अब मर कर भी तुम्हारी नहीं हो सकती। क्यों? प्यार करने लगी उससे? उस फरेबी घटिया शख्स से क्या मोहब्बत हो गई है तुम्हें? जो समझना है समझ लो, लेकिन इतना जान लो कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये तुम कहोगी मुझे जो मेरे बिना सांस नहीं लेती? भूल जाओ पुरानी बात, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। इतना आसान है तुम्हारे लिए ये कहना? तुम औरतें होती ही बेवफा। बहुत अफसोस हो, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग मुझसे दुश्मनी में मेरी बेटी को बर्बाद कर दें। क्या बर्बाद? कौन सा बर्बाद? क्या बातें कर रही हो तुम? अपने मियाँ के साथ, अपनी ननंद के साथ खैर से वो शॉपिंग पे गई है, घूमेगी फिरेगी खाएगी पिएगी। है बर्बाद लड़कियां क्या ऐसे शॉपिंग करती फिरती हैं? गुस्सा करिए ना आप भाई, शॉपिंग करेंगी खाएंगी पिएंगी, वो क्या होता है, बुरगुर बुरगुर कापियां पिएंगी और क्या। तो समझदारी से काम लिया कर सहायता, अगर तुझमें समझ हो तो, नहीं है तो भाई कहीं से उधार ले ले। हैं, जब नए नए जोड़े शादी होती है तो उनको कोई परेशानियां होती हैं, मुश्किलात पेश आती हैं। तुझे याद नहीं तुम दोनों ने, तुम्हारे बाप ने और तुमने कैसे मेरा जीना हराम कर रखा था? है, मैं उस वक्त छोटी थी अम्मा, और मुझे सच बोलने की बीमारी थी। मुझे ये थोड़ी पता था तब कि मेरे सच की सजा मेरी बेटी को भुगतना पड़ेगी। देखिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, खुदा रब मेरी बेटी को आजाद कर दे, आपको जो चाहिए ले ले, गाड़ी पैसा जो कहते हैं मैं ला के देने को तैयार हूँ, मेरी बेटी को आजाद कर दे।
जलील कर लो हमें, हकीर समझ लो हमें, साजदा मट्टी पलीत कर दो हमारी, तो तुम पे ही तो पड़ी है रानिया। कुछ भी कर लो, अपना कलेजा निकाल के रख दो उसके लिए, वो बच्ची खुश नहीं होके देती। तुमने क्या नफरत बोई है उसके दिल में हमारे लिए, हम तो उसको लाके पछताए। मुझे बताओ वो कौन सा ऐसा रिश्ता है, कौन से ऐसे मियाँ बीवी हैं जिनके दरमियान झगड़े नहीं होते? भाई होते, लेकिन अगर हर झगड़े में मैके वाले ऐसे उछल उछल के आते रहेंगे और आकर हर बात बात पे कहते रहेंगे तलाक दे दो तलाक दे दो, तो क्या ऐसे घर बसते क्यों? बिल्कुल सही कह रही ना, हमेशा सही बात करती है। क्या हमने उसको कैद करके रखा है, जंजीरों में बांध के रखा हुआ है, कमरे बंद किया हुआ हम लोगों ने, कैदखाना बनाया हुआ घर को है। अरे भाई वो खुद यहाँ से नहीं जाती, जैसे किसी ने गोद से चिपका दिया उसको, यहाँ पे हिलती नहीं यहाँ से। जाहिर है इसका क्या मतलब है, खुशी होगी ना, तसल्ली रख तू, कुछ नहीं होगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो यहाँ क्यों रह रही। क्या है तुम्हें, तुम हम पाल रही हो ऐसे, हम नहीं पालते, अपना भी दिल खराब कर रही हो हमारा भी। तुम चाय पियो ना, दूध पत्ती चीनी सब कुछ इतनी महंगी हो गई है, एक प्यारी भी जाया हो ना बहुत तकलीफ होती है दिल को। पी लो, चाय जाएगी ना, पी लो। पान खाएगी पांडू? क्या हो गया तुम्हें, क्या ये चाय में पांडवों के खाएगी क्या? तय पान में डूबने की क्या जरूरत है उसको, खाएगी बाद में चाय के बाद। आपके हस्बैंड आए हुए हैं तो प्लीज उन्हें भी बुला लीजिए। नहीं वो नहीं आए, वो बिजी हैं। आप इनकी कौन है? दोस्त, नंद। ओके, तो फिर आप इनके घर पे बता दीजिए कि गुड न्यूज है, रानिया माँ बनने वाली है। मुबारक हो भाई। मिस रानिया, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है, माँ बनना तो ब्लेसिंग होती है। अच्छा मैं तुम्हें कुछ सप्लीमेंट लिख के दे रही हूँ और वो तुमने रेगुलर यूज़ करना है, तो मुझे बहुत वीक लग रही हो। जाते हुए अल्ट्रासाउंड की अपॉइंटमेंट लेते हुए जाना। अच्छा नेक्स्ट टाइम आओ तो अपने हस्बैंड को साथ लेकर आना, क्योंकि माँ के बच्चे के साथ साथ हमें हस्बैंड से भी बात करनी ज़रूरी होती है। और प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ठीक है, हम रखेंगे। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत। तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। चलो 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 चलो।